अंतर विराजित परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन, उपस्थित बंधुओं और बहनों, चेन्नई चतुर्मास के दौरान आज से प्रत्येक रविवार को मध्याह्न में 2 से 3 के समय एक कक्षा या क्लास जैसी रखी गई है, जिसका नाम दिया गया है डायलॉग विथ मॉन्क। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज सेवा कराएं, टाइम दें, तो अलग अलग संडे को सैकड़ों लोगों को समय देना मुश्किल होगा, इसलिए सबको एक साथ डायलॉग के लिए बुलाया गया है। और यह सत्र केवल भाषण नहीं है, वन साइडेड मोनोलॉग नहीं है कि मैं ही बोलता रहूं आप सुनते रहें, बट ये डायलॉग जैसा होगा जिसमें कुछ देर मैं बोलूंगा, कुछ देर क्वेश्चन आंसर रखा जाएगा। और हो सकता है कि किसी दिन कोई संत आएंगे, किसी दिन कोई संत आएंगे, अलग अलग विषय और अलग अलग वक्ता के रूप में भी इसका निर्धारण किया जा सकता है, पर समय रहेगा 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर में। आज का जो विषय रखा गया है वह है बी हैप्पी, अर्थात सुखी बनो। और ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मुझे भेजा गया है। मैं आया हूं यहां पे आप लोगों को पूछने के लिए, डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, क्या आप सुखी बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें जो जो बनना चाहते हो। क्या आप लोग दुखी हैं इतने ज्यादा कि सबने हाथ खड़ा कर दिया? मेरे ख्याल से इतना दुख तो किसी को भी नहीं होगा कि आधी घंटा पहले से आके बैठ गए, सुखी कैसे बन जाएं? थोड़ा बहुत सुख तो होगा ही होगा भाई, ऐसी क्या बात है। बट फिर भी हर आदमी चाहता है कि मैं सुखी बनूं, सुखी हूं तो और सुखी बनूं, और जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी दुख है वो भी नहीं रहे। उसका रास्ता तो देखो दीक्षा लेना है। परम सुख को पाना है तो ये घर बार छोड़ दो, आधे जो पत्नी से दुखी है, आधे पति से दुखी है, उनका दुख मिट जाएगा। जिनको बिजनेस की समस्या है वो मिट जाएगी, बेटे बेटी से परेशान वो मिट जाएंगे, भाई भाई के झगड़े मिट जाएंगे, जन्म मरण का दुख मिट जाएगा। तो यदि सुखी बनना है तो ऊपर आ जाए। कौन कौन हाथ खड़ा करते हैं? कोई भी नहीं, एक। अभी दीक्षा का मुहूर्त नवंबर का निकाला हुआ है, प्रवचन के बाद अपने चलते हैं आचार्य प्रवर के पास। कोई नहीं, सुखी बनना है तो एज में कुछ कंसेशन दिलवाएंगे, तैयारी करें। तो क्वेश्चन ये है कि सुखी बनना हर कोई चाहता है, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। एक मनुष्य ही नहीं, एक चींटी भी होगी वो ये नहीं चाहती कि मुझे कोई दुख दे वो बच जाएगी, डर जाएगी। भगवान से पूछा गया किम भया पाणा, कि भगवान प्राणी को डर किस बात का लगता है? भगवान ने कहा दुख भया पाणा, हर इंसान दुख से घबराता है। इंसान ही नहीं, प्रत्येक प्राणी दुख से भयभीत है, दुख भया पाणा। फिर दूसरा क्वेश्चन किया गया केण कड़े दुखे, कि ये दुख किया किसने? तो उत्तर मिला अत कड़े दुखे पमायणम, कि ये जो दुख है ये हमारा खुद का किया हुआ है, और अपने प्रमाद के द्वारा, अपनी गलती के द्वारा ही हमने यह दुख पैदा किया है, कोई दूसरे का दिया हुआ नहीं है। अनहैप्पीनेस इज नॉट बाय बर्थ, आप जब जन्मे थे तब से कोई आप इतने दुखी नहीं थे जितने आज नजर आ रहे हैं, और उसको करने का एक ही कारण है, वो है आपके एक्शन और आपके थॉट्स। आप अपने विचार के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा ही दुखी बन रहे हैं,
कोई दूसरा आपको दुखी बनाने वाला नहीं है। विचार कुछ इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि आदमी हमेशा दुखी बना रहता है। सब कुछ खेल नजरिए का है। मैं एक कथानक के साथ इस बात को शुरू करना चाहूंगा। एक हिंदुस्तान का आदमी जापान पहुंचा और जापान में जाने के बाद वो अगले दिन सुबह सुबह अपने जिस ऑफिस में उसे जाना था वहां लिफ्ट में पहुंचा, देखा तो वहां पे एक जापानी आदमी खड़ा था और उस जापानी ने उस हिंदुस्तानी को देखते ही कहा, ओहायो गोजाइमस। ओहायो गोजाइमस का अर्थ होता है गुड मॉर्निंग। बट उस हिंदुस्तानी को जापानी नहीं आती थी। उसने देखा कि ये मेरा नाम पूछ रहा है तो उस हिंदुस्तानी ने जवाब दिया, श्रेयस दुगड़। अब जापानी को तो हिंदी नहीं आती थी और उसे क्या पता कि ये नाम बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। कोई बात नहीं, दोनों ऊपर पहुंचे, अपनी अपनी ऑफिस में चले गए। दूसरे दिन वही हिंदुस्तानी उस ऑफिस में आ रहा था और सामने से वही जापानी आ गया और जापानी ने आते ही पूछा, बोला, ओहायो गोजाइमस। तो हिंदुस्तानी ने सोचा कल इसको नाम बताया था, भूल गया दिखता है, तो उसने फिर नाम बताया, श्रेयस दुगड़। ठीक है, तीसरे दिन वही सिचुएशन हुई। लिफ्ट में जैसे ही पहुंचा वह जापानी मिला, उसने कहा, ओहायो गोजाइमस। इसने कहा, अजीब आदमी है, परेशान कर रहा है, कल बताया, परसों बताया, रोज रोज क्या नाम पूछना है। फिर भी कहा, कोई बात नहीं, अब कर्टसी सही, श्रेयस दुगड़। चौथे दिन भी यही कहानी हुई। जापानी ने कहा, ओहायो गोजाइमस, और उसने कहा, श्रेयस दुगड़। अपनी ऑफिस में पहुंचने के बाद श्रेयस दुगड़ जी ने एक जापानी मित्र से कहा कि एक जापानी मुझे रोज परेशान करता है, डेली लिफ्ट में आते ही मुझे नाम पूछता है। बोले, वो क्या पूछता है? बोला, ओहायो गोजाइमस। तो वो जापानी हंसने लगा। उसने कहा कि ओहायो गोजाइमस का मतलब नाम पूछना नहीं है, वो बोल रहा है गुड मॉर्निंग। बोला, अच्छा ये बात है, तो मैं तो रोज उसको नाम बता रहा हूं। बोला, ठीक है। नेक्स्ट डे, पांचवें दिन जैसे ही वो हिंदुस्तानी पहुंचा और पहुंचते ही उसने जापानी को देखते ही कहा, ओहायो गोजाइमस। तो जापानी बोला, श्रेयस दुगड़। उसने देखा हिंदुस्तान में ऐसे ही ग्रीट करते होंगे। तो ये एक देखने का नजरिया है जो गुड मॉर्निंग को आपका नाम बना देता है और नाम को गुड मॉर्निंग बना देता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो दुख की स्थिति होती है उसमें से सुख को निकाल लेते हैं और सुख की स्थिति में से दुख को खोज लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने इस नजरिए को बदलना होगा कि आपको कोई भी दुखी नहीं बना सकता। बहुत सारे ऐसे परसेप्शन आपने ओहायो गोजाइमस जैसे अपने दिमाग में डाल रखे हैं, क्या कि वो उसने मुझे दुखी कर रखा है। दूसरा आपको कोई भी तकलीफ तो दे सकता है पर दुखी नहीं बना सकता, इस चीज को याद रखिए। तो अपने इस मिसकंसेप्शन को हटा दे कि कोई दूसरा मुझे दुखी बना सकता है। दुखी नहीं बना सकता, आपको परेशान कर सकता है, पर दुखी बनना न बनना केवल और केवल आपके हाथ में है। और यदि हम अपने इस परसेप्शन को ठीक कर दें तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। कैसे? कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो हर स्थिति में सुख को निकाल लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कोई भी सिचुएशन हो उसमें से दुख को निकाल करके ले आएंगे। मैं आपको दो उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा और आप उन कहानियों के माध्यम से ही इस चीज को पकड़ जाएंगे। एक बार की बात है, एक राजा अपनी मंत्री के साथ शिकार के लिए जा रहा था। उस मंत्री की आदत थी, उसका एक तकिया कलाम जैसा सेंटेंस था, वो हर समय बोलता था, जो हुआ अच्छा हुआ। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाती वो हमेशा एक ही बात बोलता। क्या बोलता? जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा के साथ शिकार पे गए और राजा का शिकार करते समय अचानक से एक अंगुली कट गई।
राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री मेरी अंगुली कट गई। मंत्री ने क्या कहा? जो हुआ अच्छा हुआ। अब इतना सुनते ही राजा का पारा गरम हो गया और उसने कहा कि ये कैसा मंत्री है, नालायक है, दुष्ट है कि मेरी तो अंगुली कट गई और ये बोलता अच्छा हुआ। उसने कहा कि मुझे ऐसा मंत्री नहीं चाहिए, आई एक्सपेल यू, अभी का अभी तुम्हें मंत्री पद से बर्खास्त करता हूं और सैनिकों को आदेश दिया इसे राजधानी ले जाकर के जेल में डाल दो। राजा है, कोई कोर्ट कचहरी तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट चलते चलो। राजा ने ऑर्डर दिया और उसे जेल हुआ। मंत्री ने कहा जो हुआ सो अच्छा। राजा बोला इसका दिमाग खराब है, जेल में डाल रहा हूं तो भी बोल रहा है जो हुआ सो अच्छा हुआ। आगे चला, शिकार करते हुए राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ गया, अकेला रह गया और उसे जंगल में कुछ आदिवासी जंगली लोगों ने पकड़ लिया। अब पकड़ते ही राजा बोला कि मैं राजा हूं। अब वो तो समझते ही नहीं है राजा क्या होता, उनको तो एक भला पूरा मनुष्य दिख रहा था जिसकी आज बलि देनी थी। उन्होंने उसे पकड़ करके अपने भील कबीले में लेके आए और ला करके उसे खंभे से बांध दिया और बांध करके उसके चारों ओर अग्नि लगा करके डांस करने लगे। अब राजा मन ही मन घबराने लगा, राजा तो कोई माने तो राजा, नहीं माने तो किसका राजा, अकेला तो कोई राजा भी नहीं होता। पुजारी आया, आदमी की बलि देनी थी, हट्टा कट्टा आदमी था, आकर के उसने कहा कि पहले इसका निरीक्षण करना पड़ेगा कि देवी को जो बलि दी जाए वो अखंड होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। उसने राजा की बॉडी का इंस्पेक्शन किया तो देखा कि राजा की एक अंगुली कटी हुई है। उसने कहा ये आदमी काम का नहीं है, इसे छोड़ दो। तो राजा को वहां से छोड़ दिया गया और राजा अपनी जान बचा करके भागता करता कैसे भी राजधानी पहुंचा। और राजा ने कहा कि मंत्री ने एकदम ठीक कहा था, जो हुआ सो अच्छा हुआ। यदि अंगुली नहीं कटती तो गर्दन कट जाता। मंत्री को हाथों हाथ कैद से बुलाया, बुला करके उसका सम्मान किया कि बोला मंत्री तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने एकदम ठीक बात कही, जो हुआ सो अच्छा हुआ, अपना पूरा किस्सा सुनाया। पर मुझे यह समझ में नहीं आया कि जब मैंने तुम्हें जेल में भेजा तो भी तुमने कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा राजन ये तो एकदम सिंपल बात, यदि मैं मंत्री होता तो मैं आपके साथ होता, आपकी अंगुली कटी हुई देख करके आपको छोड़ देते और मुझे पूरा साबुत देख करके मेरी गर्दन कट जाती, तो वो भी जो हुआ सो अच्छा हुआ। इसे कहते हैं दुख की स्थिति में भी सुख को निकाल लेना। अब उस आदमी को भला कौन दुखी करे, हर एडवर्स सिचुएशन में भी उसमें से कोई हैप्पीनेस का मोमेंट निकाल ले। एक आदमी की नौकरी चली गई वो दुखी हो सकता है, दूसरी ओर वो ये सोच सकता है कि चलो एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी खुल गई, हो सकता है कि मुझे नई अच्छी कंपनी मिलेगी जहां मैं कुछ नया सीखूंगा। आपका एक क्लाइंट छूट गया तो हो सकता है कि आपको दो दूसरे नए क्लाइंट मिलेंगे, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दुखी होने की बजाय उसमें से भी सुख को निकालने की कोशिश करें। उस आदमी को कोई भी दुखी नहीं कर सकता, इसलिए nobody can makes you unhappy। हैप्पीनेस मेरे खुद के हाथ में है, मेरे विचार में है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अनहैप्पीनेस के कीड़े ने काट लिया होता है तो कैसी भी सिचुएशन हो उसमें से दुख को निकाल के ले आएंगे, नेगेटिव माइंड वाले लोग। एक आदमी ने दो लॉटरी खरीदी एक एक रुपये की और एक लॉटरी पे 1,00,000 रुपये का जैकपॉट उठ गया। सब दोस्त लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पहुंचे और देखा तो वो एकदम उदास बैठा है। उसे पूछा भाई तेरी तो लॉटरी लगी है, 1,00,000 रुपया इनाम में उठा है, तू उदास क्यों है? बोला बात ये नहीं है, बात है कि मैंने 1-1 रुपये की दो लॉटरी खरीदी थी, 1 रुपये में तो मेरी लॉटरी उठ गई बट 1 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। अब उस आदमी को कौन सुखी बना सकता है? कोई भी नहीं। तो सुख या दुख दोनों की चाबी मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है। आपको यदि दुखी बनना है आपकी मर्जी,
आपको सुखी बनना है आपकी मर्जी, जस्ट अपने नजरिए को बदल देंगे, किश्ती को बदल देंगे तो किनारे बदल जाएंगे, और नजरिए को बदल देंगे तो नजारे बदल जाएंगे। खाली अपने इस थॉट को चेंज कर दें कि मुझे सुखी या दुखी बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, जो कुछ भी है वो मैं खुद हूं, तो मेरी चॉइस है मैं सुखी बनूं या नहीं बनूं। किसी ने आपको कह दिया एग्जाम्पल के लिए कि तुम मूर्ख हो, अब आप क्या करोगे? दुखी हो जाओ कि उसने मुझे मूर्ख कह दिया, या आप ये सोच लो मैं मूर्ख हूं ही नहीं, उसने किसी और को कहा है, आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप सोच सकते हो कि उसके कहने से क्या मैं मूर्ख हो गया, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही चाहे मुझे मूर्ख बोले, पागल बोले, कुछ भी बोले। हम लोगों के बारे में भी लोग बहुत सी तरह की बातें बोलते रहते हैं, बोल लो भाई, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है। तो मेरा सुखी होना या नहीं होना, दुखी होना या नहीं होना, ओनली डिपेंड ऑन मी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दुखी बनोगे या नहीं बनोगे। तो अपने इस परसेप्शन को चेंज कर दें कि कोई दूसरा आपको दुखी बनाने वाला है, कोई भी नहीं है, केवल और केवल आपका एक्शन और आपके थॉट्स ही इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा मिसकंसेप्शन जो ओहायो गोजाइमस लोगों ने पकड़ रखा है, वह है समस्या और दुख दोनों एक है, जबकि समस्या और दुख दोनों एक नहीं है। प्रॉब्लम इज डिफरेंट थिंग एंड सॉरो इज डिफरेंट थिंग। दुख हो सकता है, समस्या हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, बट उसमें दुखी होना जरूरी नहीं है। अभी आपने एग्जाम्पल से भी देखा था, यही सेम चीज यदि हम समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करें वो सॉल्व हो सकती है, और उस समस्या में से भी आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी के बिजनेस में 1 करोड़ का नुकसान लग गया तो ये क्या है, दुखी होने की स्थिति है कि नहीं? यस और नो? यस नो। अभी क्या सिखाया था, इतनी देर में भूल गए, 2 मिनट में तो घर जाके क्या याद रखोगे? नो no. 1 करोड़ का नुकसान हो गया, बट आपके पास अभी भी 10 करोड़ बचे हैं, नो प्रॉब्लम, शाम को रोटी दाल मिल जाएगा। दुखी होना है तो 1 करोड़ क्या, 100 रुपया भी गिर जाता है सड़क पे तो घूमते रहते हैं, उसको कोई भी सुखी नहीं बना सकता। तो बंधुओं ये मान लो कि सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, दुखी होना जरूरी नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा मान लो 1 करोड़ का नुकसान हो गया, अब दुखी बन गए, आ जाएगा क्या 1 करोड़? नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? यहां तो बनिए का बेटा हर काम फायदे से करता है, तो भाई दुखी होने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट, शरीर की एनर्जी वेस्ट। उसकी बजाय शांति से ये सोचो 1 करोड़ के आने का कोई उपाय है क्या, यदि है तो उसकी कोशिश करें, नहीं है तो आगे का रास्ता ढूंढें कि 1 करोड़ और कमाने का क्या उपाय है, दैट्स इट, फिनिश। यदि आप दुखी बन गए तो जो 1 करोड़ पड़ा है वो भी चला जाएगा। इसलिए सिचुएशन एडवर्स से एडवर्स हो सकती है, बट दुखी होना जरूरी नहीं है। आपको किसी ने कुछ कह दिया, क्या उसका दुख आपके मन पे होता है? होता है, असंगी तो नहीं है, जानवरों के भी मन में होगा तो हमारे क्यों नहीं होगा, बट कहने वाले ने जिस समय कहा, यदि आप उसको दुखी नहीं बनेंगे तो आपको कोई भी दुखी नहीं बना सकता। सिचुएशन आ सकती है, समस्या आ सकती है, तकलीफ आ सकती है, हम रस्ते में रुकते हैं, कभी कभी ऐसी स्कूल आती है जिसमें मार्बल कोटा स्टोन तो छोड़ दो, आंगना भी नहीं होता, खिड़की भी नहीं होती, ऊपर छत भी केलू के मिलते हैं, तो क्या वहां बैठ जाए क्या रोने की, यहाँ पे मकान भी नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला जो है, अरे कम से कम केलू तो है। बहुत से लोगों को तो वो भी नसीब नहीं है, तो यदि ऊपर ही ऊपर देखते रहेंगे तो दुख ही दुख है, और अपने से नीचे के लोगों को देखेंगे तो आप दुख से दुख कंडीशन में भी सुख को खोज सकते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरा एक छोटा सा फ्लैट है वो भी किराए का, मेरा घर नहीं है, अरे भाई तेरे पास झोपड़ा तो नहीं है, कम से कम घर तो है,
यदि दुखी बनना है तो आप बंगले में रह के भी दुखी बन सकते हो, और सुखी बनना है तो आप कहीं पे भी रह करके सुखी बन सकते हैं। सो सुखी बनने के लिए आप ये याद रखें कि प्रॉब्लम एंड सॉरो, समस्या और दुख, ये दो हैं, इनको एक न माने। एक मानना ही दुख का बड़ा कारण है। यदि आप इसको अलग अलग मानेंगे तो आपका ये मिसकंसेप्शन भी टूट जाएगा, और उसके बाद एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में भी आप दुखी नहीं बनेंगे। सो दूसरी चीज याद रखें, पहली चीज कि आपको कोई भी दुखी बना नहीं सकता। यू आर बॉर्न टू बी हैप्पी, बॉर्न टू बी हैप्पी। बच्चा जब जन्मता है तब से ही वो खुश रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, ना बिजनेस का टेंशन, ना फैमिली का टेंशन, ना और कुछ। यू आर बॉर्न टू बी हैप्पी। क्यों अपने आप दुख के बादल ओढ़ करके, दुख की गठरी लाद करके घूमते हैं? तो आप अपने दुख के लिए, सुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है, नंबर वन। और नंबर टू, प्रॉब्लम और सौरो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। समस्या अलग चीज है, दुख अलग चीज है, इसको याद रखें। नंबर थ्री, कुछ लोगों का ये कंसेप्शन होता है, आई विल बी हैप्पी व्हेन आई हैव सो सो सो। जब मेरे पास मेरा घर होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जब मुझे 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ सोचते हैं कि मेरे पास ये ज्वेलरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी, या वो साड़ी मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगी। होता है ऐसा, बट क्या है वो चीज मिलने के बाद क्या आप सुखी रहते नहीं, क्योंकि सुख उस वस्तु में नहीं है। लाइफ इज अ ट्रेडमिल। आप ट्रेडमिल पे जब कसरत करते हैं, दौड़ते हैं, तो जहां है वहां दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, और ट्रेडमिल आपको आगे से आगे टारगेट देता है बट आपको सुख नहीं देता। एक आदमी जो नौकरी करता है वो सोचता है कि जब मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगा देन आई विल बी हैप्पी, और जब उसको जॉब मिल जाता है उसके नेक्स्ट डे वो अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसका हैप्पीनेस का पैमाना, मीटर बदल गया। अब क्या है कि जिस दिन मैं इसका प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊंगा देन आई विल बी हैप्पी, और साल दो साल बाद यदि वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है तो वो फिर दुखी हो जाता है, बोलता है कि जब मैं अपनी कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा तो मैं सुखी होऊंगा देन आई विल बी हैप्पी, और कभी संयोग से वो सीईओ बन भी जाए तो नेक्स्ट डे फिर अनहैप्पी होता है, कंपनी मेरी हो देन आई विल बी हैप्पी। तो ये हैप्पीनेस तो कभी भी आ ही नहीं सकती। हैप्पीनेस कभी भी किसी चीज पे अटकी हुई नहीं है, हैप्पीनेस हमारे भीतर है। पदार्थ में यदि सुख खोजने जाएंगे तो वो पदार्थ क्षणिक होगा। आप लोगों को याद होगा आप छोटे बच्चे थे तो कभी चॉकलेट के लिए, टॉफी के लिए रोते थे, और या कभी कोई पेरेंट्स आकर के या कोई अंकल आंटी आकर के एक चॉकलेट देते थे तो बड़े खुश होते थे। खुशी किसमें थी? कैडबरी के डेयरी मिल्क में या 5-स्टार में। क्या आज भी आपको कोई 5-स्टार देगा तो आप उतने ही खुशी हो जाओगे, उतने सुखी हो जाओगे? नहीं, आपका पैरामीटर बदल गया। यदि 5-स्टार में ही सुख होता तो आज भी आप उससे सुख हो जाते, बट नहीं। किसी को किसी में सुख मिलता है, किसी को सुख में किसी में मिलता है, बट ये सारा हमारा एक परसेप्शन है कि वो मिलने से सुख होगा, वो मिलने से सुख नहीं होता। बहुत सी बार तो भाइयों मैंने ये देखा है, उसको मिलने के बाद दुख शुरू हो जाता है कि कहीं ये चला न जाए। फियर कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहीं ये चला न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं ये स्टेटस न चला जाए। वाइफ मिल गई, सुखी हो गए? नहीं, और दुखी हो गए, ऐसा भी नहीं है। यदि आप ठीक हैं तो सुखी हैं, नहीं है तो उनका बेचारे का कोई दोष नहीं है। बट जिस दिन छूट जाता है, एक दिन तो सबको जाना ही होता है, तब क्या होता है? वो सुख गया, वापस दुखी हो गए। आपने एक स्टेटस सोचा, वो चला गया, फिर दुखी हो गए। प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी बने, छूट गया, फिर दुखी हो गए।
तो सुख कभी भी किसी स्टेटस में, किसी पदार्थ में, किसी चीज में नहीं है। आपने जब बचपन में वीडियो गेम लेकर के सुखी हुए थे, उस वीडियो गेम को देख करके आज आपको कोई खुशी नहीं होती। वो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक प्लास्टिक का खिलौना है। यदि पदार्थ में सुख होता तो हर पदार्थ बेचने वाला सुखी होता, पर पदार्थ में सुख नहीं है, सुख पदार्थ के परे है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा होगा तो हम कोई भी सुख सुविधा खरीद सकते हैं। बंधुओं, पैसे वाला आदमी सुख खरीद सकता है? नहीं, सुविधा खरीद सकता है। वो अच्छे से अच्छा बेड तो खरीद सकता है पर नींद नहीं खरीद सकता। अच्छे से अच्छी रोटी खरीद सकता है, खाना खरीद सकता है पर भूख नहीं खरीद सकता। यदि आपको सुखी होना है तो आपको इस धन के लालच से, पदार्थ के लालच से निकलना पड़ेगा। आचार्य श्री महाश्रवण जी का एक कोटेशन है, लिमिट योर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को सीमित करो, योर सॉरो विल लिमिट टू, आपका दुख भी सीमित हो जाएगा। यदि आपके डिजायर्स आकाश के समान अनंत हैं, भगवान ने कहा इच्छाऊ आकाश समा अनंत या, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी शुरू हुई, दूसरी पूरी हुई तीसरी शुरू हुई, तो उसके बाद कभी अंत नहीं है। बहुत से लोगों को देखा है कि वो दौड़ते जाते हैं, किस लिए? कि मेरा 100 करोड़ का नेटवर्थ हो गया, अब मुझे मेरा टारगेट है 500 करोड़। अब वो भाई 100 करोड़ आपकी जिंदगी में, आपकी बेटे की जिंदगी में भी खत्म नहीं होगा, बट फिर भी भाग रहे हैं 500 करोड़। और जिस दिन कभी पुण्य के उदय से 500 करोड़ पहुंच भी गए, तो उसके बाद वो फिर भाग रहा है 1000 करोड़। 1000 करोड़ वाला भाग रहा है 10000 करोड़। अभी तो मुकेश भाई भी भाग रहे हैं, तो आपको तो भागना ही भागना है। इस कंडीशन में कोई भी सुखी कैसे होगा? सुखी तब होगा कि जब आप किसी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करना सीख जाओ। एक्सेप्ट जहां पे करते हैं वहां पे सुख होता है, जो है उसमें सुखी हो जाओ तो आपके पास सब कुछ है। एक आदमी बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर के उसने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शुलर को फोन किया कि मेरा सारा रुपया बर्बाद हो गया। डॉक्टर शुलर ने पूछा कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? बोला दिख रहा है। बोला कि सुनाई भी दे रहा होगा, मेरे से बात कर रहे हो? बोला सुनाई भी दे रहा है। क्या तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं? बोले हैं। अब यहां तो दुखी क्यों हो रहे हो, जो कुछ है उसका सुख मनाओ ना। तो यदि पदार्थ में ही सुख हो तो आपको दुखी होना ही पड़ेगा। बट यदि हम एक्सेप्ट कर लें एज इट इज, जो मिला जैसा मिला अच्छा मिला, तो उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम अच्छे से अच्छे राष्ट्रपति भवन में जाके आ गए तो भी हमें ऐसा कोई खुशी नहीं है कि बहुत आलीशान महल था। गरीब झोंपड़े में या टूटी फूटी स्कूलों में रह गए तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पता है कि कल तो इसको छोड़ के जाना है। तो जब हमें छोड़ के जाना है तो क्या आपको लेके जाना है? आप भी तो सब कुछ छोड़ के ही जाओगे ना। तो क्या है, एक दिन की तो बात है, कल की बात है। ये कल हो सकता है, कल नहीं आके परसों होगा, तरसों होगा, कभी तो जाएगा। तो जो है वो बीत जाएगा, इसके लिए दुखी होने की अपेक्षा नहीं है। और जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें सुख मिलता है। और सुख कैसा मिलता है, एक्सेप्ट भी कैसा, नॉन जजमेंटल होके। आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, कोई व्यक्ति मुझे बता सके कि जो घूमने गया हो? नितेश, ओके, कहां पे खड़े होके बताओ। जैसे कोई अच्छी चीज देखी हो कहीं पे, यूरोप में क्या देखा? एफिल टावर देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा। इन्होंने यूरोप में एफिल टावर देखा, अच्छा लगा, क्या उसको जजमेंटल होकर के देखा या था उसे वैसे का वैसे एक्सेप्ट किया? जैसा था वैसे का वैसे एक्सेप्ट किया, इसलिए इनको अच्छा लगा। इसी को यदि ये देखते कि यार क्या एफिल टावर बनाया, नीचे से मोटा ऊपर से पतला, ऊपर से एक डंडी सी निकाल दी, ये बनाने वाला बेवकूफ है, इसको प्रॉपर शेप में बनाता
तो वहीं पे दुखी हो जाते यार, बिना मतलब पेरिस आया। देखना क्या था, ये लोह का भंगार जैसा दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा गोल मटोल, दुखी हो जाते। आपने एक झरना देखा, एक गार्डन देखा, आप बहुत सुखी हो गए कि कितना ब्यूटीफुल गार्डन है। नॉन जजमेंटल होकर के ये नहीं देखा कि इसमें लाल फूल है, पीला क्यों है, लाल क्यों है, गुलाबी क्यों नहीं है। तो लाइफ में ऐसा क्यों नहीं करते? लाइफ के हर सिचुएशन में हम जजमेंटल होके देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये चीज ऐसी क्यों है, आज गर्मी क्यों है, सर्दी क्यों है। अरे जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करो, आप सुखी बन जाओगे। यदि आप उस पर जजमेंटल बन जाते हो तो आपको हर चीज दुखी कर सकती है, किसी का नेचर परेशान कर सकता है, कोई सिचुएशन परेशान कर सकती है, कोई चीज भी परेशान कर सकती है। बट यदि नॉन जजमेंटल होकर के केवल सिचुएशन को देखें, विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नो लाइक्स नो डिसलाइक्स, ओनली सी, इसे हम कहते हैं प्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान क्या है? प्रेक्षा का अर्थ है केवल देखना। जब हम ओनली सीइंग सीख जाएं, केवल देखें, नो लाइक्स नो डिसलाइक्स, तो आपको कोई भी दुखी नहीं बना सकता। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको यदि दुखी बनाने वाला है तो आपका नजरिया है। यदि आप नॉन जजमेंटल होकर के प्रेक्षा की तरह देखें, आपने एक इंद्रधनुष देखा बचपन में, बड़े में आप बहुत खुश हुए, वह इंद्रधनुष रेनबो 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 करते हैं, बट ये कोई नहीं बोलता कि रेनबो टेढ़ा है, एक सीधा है, इसका कलर ये थोड़ा लाइट है, एक डार्क है, नहीं, तो आप खुश हो जाते हैं। और यही यदि जजमेंटल हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो लाइफ को भी केवल देखना सीख जाए, प्रेक्षा करना सीख जाए, यदि ओनली सीइंग सीख जाएंगे तो आप अपने आप सुखी बन जाएंगे। हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, उसको केवल देखें, तो आप अपने आप सुखी बन जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, आते हैं कि महाराज पता नहीं पिछले जन्म में कौन से कर्म किए कि मुझे इस जन्म में दुख ही दुख देखने को मिल रहा है। पिछले जन्म की बात भूल जाएं, इस जन्म में भी ऐसे बहुत से काम करते जा रहे हैं, सिर्फ नजरिए एंड थॉट्स के द्वारा जजमेंटल होकर के, एक्सेप्ट नहीं करके, मन में पदार्थ के प्रति लालच रख करके, अपने नजरिए को मिसकंसेप्शन, समस्या और दुख को एक मान करके, तो आपको ये सारी तकलीफ होगी। और बंधुओं, आप लोगों को पता होगा कि न्यूरोसाइंस ने ये रिसर्च में साबित किया है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हमेशा अपना एक नया इंटरनेट डेवलप करते हैं, एक जाल बनाते हैं। यदि आप हमेशा दुखी रहेंगे तो आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि ये दुख हुआ, फिर दूसरी बार जाता है दुख हुआ, तीसरी बार जाता है दुख हुआ, और वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ब्रेन आपको हमेशा जितने भी दुख के मैसेज हैं उन सब को लेने लग जाएगा। यदि आपको उसे तोड़ना है तो आप हर सिचुएशन में खुश होना सीख जाएं, बी हैप्पी। यदि आप हैप्पी रहेंगे, बहुत से लोग गले में अपना या पॉकेट में चाबी छल्ला की चेन में एक लॉकेट सा रखते हैं, हैप्पी, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप के चैट में इमोजी तो भेजते हैं हैप्पी स्माइली का, पर चेहरे पे स्माइल आती नहीं है। अब चेहरे पे स्माइल यदि रखने लग जाएंगे तो ब्रेन को ये एक मैसेज जाएगा कि ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। सो जब ही इज हैप्पी तो ब्रेन अपने आप हर सिचुएशन में हैप्पीनेस के मैसेज निकालेगा। तो इसलिए बंधुओं, हैप्पी होना या अनहैप्पी होना ये केवल और केवल आपके हाथ में है। आप चाहो जो चूज कर सकते हो, चाहे सुखी बनो या दुखी बनो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो मेरे ख्याल से तो जैसा कि मैंने पहले पूछा था, एक बार फिर रिपीट कर दूं, हु वांट टू बी हैप्पी? अब कोई भी डर के मारे हाथ खड़ा नहीं करेंगे। देख लीजिए, ब्रेन में गलत मैसेज चला जाएगा, हु वांट टू बी हैप्पी। हम और खुश होना चाहते हैं, और सुखी होना चाहते हैं, तो आप सुखी होने के ये जो चार पांच प्रिंसिपल्स या फार्मूलाज मैंने जो शेयर किए हैं, नंबर वन, अनहैप्पीनेस कोई दूसरा देने वाला नहीं है।
हैप्पीनेस इज अ मेंटल स्टेट, कोई दूसरा देने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम हैं, इसलिए इस चीज को याद रखें। दूसरी चीज आप लोग याद रखें कि समस्या और दुख एक नहीं है, समस्या को अलग तरीके से देखें और दुख को अलग तरीके से देखें तो बच जाएंगे। तीसरा, पदार्थ में सुख नहीं है, सुख खरीदा नहीं जा सकता, धन या पदार्थ में नहीं है, सुख हमारे भीतर है, हमारे सोच में है। और चौथा, यदि हम एक्सेप्ट करना सीख जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। केवल परसीव करना सीख जाएं, ओनली सी विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सो सीइंग विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स इज की ऑफ हैप्पीनेस। तो कुछ सूत्रों की मैंने चर्चा आप लोगों के सामने की, मेरे ख्याल से समय हो रहा है जिज्ञासा समाधान का। यदि कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर सुखी होने के लिए क्या आदमी को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए? आदमी को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए? किसके लिए? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए महत्वाकांक्षी होना, महत्वाकांक्षी किसे कहते? एक तो हो गया पदार्थ की आकांक्षा। तो पदार्थ की आकांक्षा, यदि मेरा महत्वाकांक्षा ये है कि मेरे पास 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, तो वो आदमी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप एक स्लैब पार करेंगे, नेक्स्ट स्लैब आ जाएगा। एक कहानी सुनाना चाहूंगा बम्बोली जी, टॉलस्टॉय की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। एक आदमी था, उसके पास में जमीन नहीं था, तो वो एक जमींदार के पास गया, कंजूस जमींदार था, उसे पूछा कि मुझे जमीन चाहिए। जमींदार मूड में था, उसने कहा कि जाओ, कल सूरज उगते ही मेरी जितनी जमीन को तुम कवर करके सूरज छिपने तक आ सको, आ जाना, वो सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। आदमी तो खुश हो गया, बोला मेरे पास तो जमीन नहीं है, जमींदार के कई खेत मुझे मिल जाएंगे। वो सुबह से उसने भागना शुरू किया और भागते भागते वो 5-7 किलोमीटर तक चला गया और जाकर के देखा 10-11 बजे कि अब मुझे लौट जाना चाहिए, इतनी जमीन तो बहुत है, और जमींदार की आधी जमीन से तो मेरे पास आ जाएगी। पर देखा कि आगे एक आम का बहुत सुंदर बगीचा था, बोला ये एक आम का बगीचा और ले लूं। वो फिर दौड़ा, 0.5 किलोमीटर के आम के बगीचे को उसने कवर किया, बोला पीछे चलता हूं। उसके बाद में देखा तो एक अंगूर का बगीचा था, बोला यार ये अंगूर तो बहुत अच्छे हैं, एक अंगूर का बगीचा एक और कवर कर लूं। वो अंगूर के बगीचे को कवर करने के लिए गया, तो अंगूर के बाद में अमरूद का बगीचा था, अमरूद के बगीचे को उसने कवर किया, तो उसके बाद में संतरे का बगीचा था, नारंगी के बगीचे को कवर किया तो केले का बगीचा था। ऐसे करते करते वो बहुत दूर पहुंच गया, जाकर के देखा तो सूरज तो ढलने की तैयारी में है, वहां से भागा नहीं तो ये सब भी जाएगा। भागा भागा, कोशिश करते करते पहुंचने लगा, बट सूरज छिपने तक, वो उस बॉर्डर लाइन तक जहां उसे जमींदार के पास पहुंचना था नहीं पहुंच सका, और उससे 100 मीटर दूर पे गिर गया और वहीं पे उसके प्राण निकल गए। न उसने खाना खाया, न पानी पिया, केवल यही महत्वाकांक्षा थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जमीन ले लूं। जब उसको उतना जमीन मिल गया, फिर ले लूं, फिर मिल गया, फिर ले लूं, फिर ले लूं। वो जमींदार हंसा, बोला बेवकूफ प्राणी, 2 गज जमीन चाहिए थी, इतने में ही तो दफनाऊंगा इसे। तो 2 गज जमीन के लिए पता नहीं कहां कहां भागता रहा। तो हमारी आवश्यकता तो बम्बोली जी 2 दाल रोटी की ही होती है, बट हमारी महत्वाकांक्षा आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ती रहती है और वो सुखी नहीं बनाती। यदि हमारी महत्वाकांक्षा सीमित हो तो कोई बात नहीं। अति महत्व
अति महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा में क्या अंतर है पूछ रहे हैं, तो ऐसा समझ ले, एक है आवश्यकता, एक है अनिवार्यता, एक आवश्यकता और एक महत्वाकांक्षा, तीन चीज हम मैं मानता हूं। अनिवार्यता तो है कि मुझे खाने को भोजन चाहिए, पीने को पानी चाहिए, ये अनिवार्यता है, नहीं होगा तो मर जाऊंगा। कपड़ा है नहीं है फिर भी चल सकता है, बट इतना तो अनिवार्यता है ही है। उसके बाद बची आवश्यकता, तो आवश्यकता क्या है, रहने को एक मकान भी चाहिए, ऊपर छत, कपड़े भी चाहिए, हो सकता है कि घर में है तो उन्हें बिजनेस दुकान भी चाहिए, उनको कुछ बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए धन भी चाहिए, वो है आवश्यकता। तीसरी है महत्वाकांक्षा, जब मेरे पास में इतना हो गया उसके बाद भी आदमी सोचे, आप ये सोचते रहे कि 100 करोड़ का 1000 करोड़, 1000 करोड़ का 10000 करोड़, ये है महत्वाकांक्षा। तो आवश्यकता की तो पूर्ति हो सकती है, आकांक्षा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। नहीं, विकास अवरुद्ध नहीं होगा। चांद पे कैसे पहुंचेगा? चांद पे जरूरत नहीं पड़ेगी उसको जाने की, क्योंकि वो धरती पे ही स्वर्ग लेके आएगा। विकास की ये जो अवधारणा हमने पश्चिम से सीखी है, वेस्ट से, उन्होंने ये सिखाया कि जितना प्रोडक्शन उतना डेवलपमेंट, और जितना डेवलपमेंट उतना हैप्पीनेस। और आज वो यहां पे आ गए कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, कंजम्पशन को कम करो, अदरवाइज 2050 में पानी भी नहीं मिलेगा। तो महत्वाकांक्षा से हम सुखी हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। महत्वाकांक्षा ये हो टू क्लीन द सोल, अपने कषाय को कम करने की, सिद्ध बनने की, तो अच्छा। और पदार्थों की आकांक्षा रहेगी तो मेरे ख्याल से अब तक जितने स्टेट मैंने विजिट किए हैं, जितने लोगों से मिला हूं, किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अभी तक सुखी नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यंदामी, मैं हरदम ये कोशिश करता हूं कि मैं आशावादी व्यक्ति बनूं, और मैं हूं, पर मैं कभी कभी देखता हूं अपने निकटतम दोस्तों को या परिवारजनों को, किसी व्यक्ति को जो कि बहुत ही निराशावादी होते हैं और अपने आप को दुखी में ही महसूस करते हैं, तो क्या हमारी तरफ से ऐसा एक प्रयास हो सकता है कि हम उन्हें बाहर लेके आए उस चीज से? जैसे कि आपने कहा कि दुखी होना या सुखी होना अपनी सोच पर निर्भर है, कि हमारे कुछ ऐसे चिंतन हो सकते हैं जिनसे उनको बदला जा सके। मैंने कुछ चीजें जो आपके साथ शेयर की है, आप उसे आगे फैलाएं। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिया जलाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचा आदमी बनने के लिए, ऊंचा आदमी कहते किसे? ऊपर कहां, पेड़ पे, टंकी पे, टावर पे? तो इसलिए वो चढ़ते ही जाएंगे, वो चढ़ते ही जाएंगे, जिंदगी भर चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाएंगे, पर कभी भी सुख नहीं पाएंगे। सुखी बनने के लिए आप ऊंचा बनना, जैसे मैंने अभी बम्बोली जी से बताया था कि आवश्यकता पूरी हो सकती है, आकांक्षा नहीं रखें, फिर जितना ऊपर जाए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, एकदम सही, वो चला गया, एकदम सही है, वो अब भी चल रहा है, इसीलिए अभी और ऊपर जाएगा, और जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक जाता ही जाएगा। बस इसीलिए हमें यह सोचना है कि क्या हमें सिर्फ इसी भागदौड़ में उलझे रहना है, और यह भागदौड़ है किसके लिए? मैं तो बहुत सी बार लोगों पे हंसता हूं कि आप पैसा तो कमाते हो परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और 2 घंटा कभी पत्नी के साथ में हंस बोल के बात भी किया हो आपको याद नहीं होगा। डेली की कंप्लेन है कि किसी को टाइम ही नहीं है, घर पे आते हैं तो भी ऑफिस के ऑर्डर, बिजनेस वालों से बातचीत चलती है, मेल लेके अकाउंट्स लेके बैठ जाते हैं, बच्चों के साथ में कभी 2 घंटा उन्हें संस्कार देने का समय नहीं है, तो कमा क्यों रहे हो? खुद के लिए तो हेल्थ खराब कर रखा है,
सामायिक माला होती नहीं है, तो आखिर कमाने का पर्पज क्या? पर्पज ऑफ लाइफ यदि क्लियर नहीं हो तो आपको चढ़ते ही जाना है, दौड़ते ही जाना है, दौड़ते ही जाना है, एंड ऑफ द डे वो दो गज जमीन ही मिलेगी। यस, तो यदि आप सुखी रह करके, खुश रह करके दो गज जमीन पाओ तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि तनाव में जी करके। दो बहने मेरे भाषण से पहले ही आई थी कि हमें क्वेश्चन पूछना है, कि हम पूछ सकते हैं क्या? कौन है मैं नहीं जानता, यदि यहां हो तो पूछ सकते हैं। मुनि प्रवर, अभी आप खुशी का विश्लेषण और संश्लेषण कर रहे थे, मुझे भी वो गुप्त जी की दो पंक्तियां सहसा याद आ गई। खुशी है न जाने कहाँ, चाहे जहाँ मान लो, मन भी अपना है और मानना भी अपना है। शायद यही परिभाषा आपने खुशी और नाखुशी के बारे में परिलक्षित की, लेकिन वस्तुतः यह भी एक सच्चाई है कि हमने अभी तक अपने खुशी की परिभाषा ही नहीं बनाना सीखा है। हमें नहीं पता कि हमें खुशी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी और किस प्रकार हम खुशी को अर्जित कर सकते हैं। जब हमारे सामने कोई मंजिल ही नहीं है, हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य ही नहीं है, तो हम कैसे कल्पना करें कि हम उस खुशी को पा सकते हैं जिसे हमें पाना है, क्योंकि हमें खुशी पता ही नहीं क्या खुशी है। बस इतना हमें जरूर पता है कि हम जहाँ हैं वहाँ हम खुश नहीं हैं, अमुक व्यक्ति वहाँ खुशी है, हमें अपनी खुशी दिखाई नहीं देती, लेकिन अगला व्यक्ति जहाँ पर है या अगली पायदान पर जो खड़ा है उसकी खुशियाँ हमें दिखाई देती है, और वो जो खुशियाँ हमें दिखाई देती है और हमारी जो खुशियाँ हैं जो हमें नज़रअंदाज कर लेते हैं, ये सारी जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यह कहता है कि हम खुश रहना अभी तक सीख ही नहीं सके, हम अभ्यस्त नहीं हो सके। मुनिषि ने बहुत ही सुंदर फरमाया कि जो कुछ भी हमारे खुशी और नाखुशी का कॉन्सेप्ट है वह स्वयं पर निर्भर करता है, लेकिन स्वयं पर निर्भर करने के लिए हमें पहले यह सोचना तो होगा कि हमारी खुशी किस बात में नीत है और हम वह खुशी किस प्रकार पा सकते हैं। तो शायद ये विषय और चेंज ऑफ परसेप्शन, खाली अपना परसेप्शन चेंज करना है कि सुख कहाँ है, उस सुख का अपना परसेप्शन क्लियर होगा तो अपने आप सारी चीज क्लियर है। मुनि प्रवर, कठिनाई ये होती है कि हमने कोई ऐसी रूपरेखा बनाई नहीं, प्रारूप ही नहीं बनाया कि हमारी खुशी है कहाँ, हमारे सुख के जो पैरामीटर्स है वो है कहाँ। हमने तो सिर्फ इतना मान लिया कि हम जहाँ हैं वहाँ हम खुश नहीं है। उसी को तो चेंज कराने खड़ा हुआ हूँ। ये मतलब कठिनाई हो जाती है। जय जिनेन्द्र, हम सबको सुखी बनना है, पर सुख क्या है और सुख किस में मानना है? सुख एक स्टेट है जहां पे आदमी को अल्टीमेट सुख तो वह है जहां पे न कोई जन्म है, न मरण है, न राग है, न द्वेष है, वह स्थिति है जो अल्टीमेट सुख है, जिसे हम अनंत सुख कहते हैं। और अभी इस जन्म की भाषा में सुख वह है जहाँ आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, जो है सो है, इंजॉय कर रहे हैं, आनंद में है, कोई तरीके की न तो निराशा है, न कोई अति आकांक्षा है, वह सुख है। मतें ईगो प्रॉब्लम आज के सुखी जीवन में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, इसको कैसे परिवार में या व्यक्तिगत लाइफ में या सोसाइटियों में ये कैसे खत्म किया जाए, इसको हम लोग ईगो प्रॉब्लम को किस तरह जीवन से हटा दें, उसके थोड़े मार्ग बताइए। ईगो अपने आप में दुख का एक कारण होता है। इसमें दोनों तरीके का होता है, कि मेरे से ऊपर कोई है तो भी मुझे दुख होता है, और मैं नहीं हूं इसका भी दुख होता है,
मैं हो गया तो भी मुझे ईगो है और उस ईगो के कारण मैं खुद भी दुखी बनता हूं, दूसरों को भी बना सकता हूं। बट हम लोगों को जो सिखाया जाता है कि भाई अहंकार किसका, नॉलेज का, ज्ञान, तो मैं अहंकार किस चीज का करूं, मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो संसार में भरे पड़े, मेरा ज्ञान तो एक बूंद जितना भी नहीं है, जबकि तीर्थंकरों का ज्ञान तो समुद्र समुद्र जितना बड़ा है, तो मैं अहंकार किस चीज का करूं, यदि ये मैं सोच लूं तो मुझे ज्ञान का अहंकार नहीं होगा। यदि मैं ये सोच लूं कि मेरा रूप बहुत सुंदर है तो मेरे से ज्यादा सुंदर तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो मुझे रूप का अहंकार नहीं होगा। किसी को धन का अहंकार हो तो धन तो अपने आप में अस्थाई है और जिसको है उससे धनवान बहुत है, तो धन का अहंकार करना भी अनुचित है, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है जो करोड़ से रोड़, रोड़ से करोड़, करोड़ से फिर रोड़ पे आए, तो धन का अहंकार किस बात का, धन तो आया है और जाएगा, और वो नहीं जाएगा तो हम छोड़ के जाएंगे, तो धन का अहंकार न करें। किसी किसी को अहंकार हो जाता है पद का कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूं, भाई 2 साल बाद उतर जाओगे फिर क्या होगा। और आप अध्यक्ष हो मान लो सभा के, तो आपके ऊपर तो महासभा वाला बैठा है, और यदि महासभा के हो तो इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, प्रधानमंत्री है वो है तो उससे ऊपर बहुत है, ऐसा कोई नहीं है कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं, तो मैं अहंकार किसका करूं। दायित्व बोध होना चाहिए कि मुझे जो ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको मैं अच्छे से अच्छा सेवा के रूप में पूरा करूं, मुझे जो धन मिला है उसका मैं सदुपयोग करूं, मुझे जो ज्ञान मिला है उसका मैं सदुपयोग करूं, लोगों तक फैलाऊं, तो ये उसका उपयोग होगा, और अहंकार में फूल जाऊं तो फिर वो दुख का कारण ही बनेगा। विजय जी कुछ पूछ रहे थे। वंदे मुनिवरम, आपने फरमाया था कि लिमिट योर डिजायर्स, बिजनेस में टारगेट्स के साथ बिजनेस होता है, तो उसके अंदर डिजायर का एप्लीकेशन, ये लगभग लगभग तीनों का एक सा ही क्वेश्चन है, बम्बोली जी का, उनका, मैं चूंकि नाम नहीं जानता, तो एक काम कर सकते हैं, आपका नाम कमल सिंघी जी का, विजय जी का, तो आप तीनों जन या तो मेरे से रूम में कभी सेवा कर लें तो मैं इस टॉपिक पे चूंकि एलोबरेट करके बता सकूं। फिर भी इतना ही है कि आप यदि अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजायर्स बढ़ते ही जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं उसके साथ में समझौता करना पड़ेगा, या वहां तक चलते जाएंगे तो चलते ही जाएंगे, इसको लेके अपने तीनों फिर डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन नाटा जी। आजकल क्वेश्चन भी लोग याद नहीं रखते, सब मोबाइल में लिख के लाते हैं या कहीं से व्हाट्सएप पे आया कोई क्वेश्चन। वी आर नॉट यूज्ड टू कमिंग टू माइक। ओके, टुडे वी हैव बीन डिस्कसिंग 3 words, sorrow, problem and solution. Yes. You have told that you should keep sorrow and problems apart. Yes. Not mix them. Now my question is, yes, we can keep them apart, but when if you don't get solution for a particular problem, you try for a solution for a problem, but if you are not able to get solution for a problem, then sorrow starts. In such situations, what should we do? Same thing, you are giving your answer in your own question. You have to try to solve the problem. But if you can't, if you don't have solutions, yes, you have told the 4th point, that accept that. Is it so? Yes, before accepting also, you can do one thing. Try to find the solution. If you can't find the solution, don't get in sorrow, at least. Then what to do? Except again, try to find the solution. If you don't get, take advice from some wise people. Maybe they can help you to find the solution. Still you don't get solution. A man has... Again, try. Again, then accept it. Then accept. This is, for an example, one lady has got a newborn baby. Example.
and certain limbs are not working. She has tried, she's gone to hospitals, she's gone to doctors. Ultimately, she finds there is no way at all. Then sorrow starts. Then accept it, yes. Sorrow will vanish. Thank you. And aisa hota hai ki hum logon ke parivar mein bhi kabhi kabhi koi aisa hota hai jiski bimari ka koi ilaj nahi hai. Jitne doctor dikhane the, dikha diye, tantra, mantra, homeopathy, ayurvedic, naturopathy, after that, accept it. ठीक है, मेहनत करना, सॉल्यूशन ढूंढना, ये तो ठीक है, बट उसको सौरों में न ले जाए, एक्सेप्ट इट, राइट.